पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल के समर्थकों ने दायर की हेबियस कॉर्पस याचिका। याचिका में कहा अमृतपाल को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा अब तक फरार है अमृतपाल, अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने किया है सरेंडर। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों का हमला, तिरंगे का किया अपमान, भारत की सख्त प्रतिक्रिया, ब्रिटिश राजनयिक तलब। रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान, कई मार्ग रहेंगे बंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली आबकारी घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से आज ईडी करेगी दूसरे दौर की पूछताछ। ईडी दफ्तर में पूछताछ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है के कविता, ईडी ने भी दायर की कैविएट याचिका। ममता के निशाने पर राहुल गांधी, कहा अगर विपक्ष का चेहरा बने तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, 2024 चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान।